हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस मैप मेकिंग की सीरीज हम लोग देख रहे थे, जो बेसिकली जीएस के ज्योग्राफी सेक्शन और ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था हमारे साउथ इंडिया की जितनी भी रिवर्स हैं, जो कि ईस्टर्न फ्लोइंग है, मतलब कि बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर रही होती थी। इस सीरीज में लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था और वहां पर हम लोगों ने देखा था ब्राह्मणी रिवर के बारे में, साथ में हम लोगों ने सुवर्ण रेखा रिवर के बारे में बात किया हुआ था। इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करने के साथ में हमारी ये कुछ हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। इसके अलावा कुछ और भी हमारे कोर्सेज अवेलेबल है यूट्यूब पर, जो प्रीलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एज वेल एज सीरीज बेस्ड ऑन द सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जिसको कि आप लोग देख सकते हैं। साउथ इंडिया के रिवर में हम लोगों ने लास्ट क्लास में सुवर्ण रेखा, ब्राह्मणी और महानदी के बारे में बात किया था। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस गोदावरी, कृष्णा एंड पेन्नार रिवर। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं इनके डिस्कशन को। तो हमारी सबसे पहली रिवर आ जाती है गोदावरी रिवर, जिसको कि हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इसको ध्यान रखिएगा। दक्षिण गंगा कई बार पूछ दिया जाता है किसको कहते हैं। दक्षिण गंगा अलग है, बूढ़ी गंगा अलग है। बूढ़ी गंगा कावेरी को बोलते हैं, दक्षिण गंगा गोदावरी को बोलते हैं। मेक श्योर कि आपको ये चीज क्लियर रहे। गोदावरी के बारे में अगर बात करें तो ये देखिए साउथ की लार्जेस्ट रिवर होती है। तो दिस इज लार्जेस्ट, मतलब फर्स्ट नंबर की रिवर गोदावरी हो जाती है, सेकेंड नंबर की रिवर कृष्णा हो जाती है। क्लियर हो गया। इस रिवर के बारे में अगर बात करें तो ये बेसिकली निकलती है नासिक से, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और अल्टीमेटली ईस्टर्न इंडिया को ड्रेन करते हुए, इसको फ्लो करते हुए साउथ ईस्टर्न महाराष्ट्र, फिर उसके बाद से छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और इस तरीके से अल्टीमेटली जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिर जा रही होती है। अगर बात करें कितने स्टेट से होकर गुजरती है, तो देखिए गोदावरी कितने वर्ड है यहाँ पर, यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बेसिकली 8 वर्ड्स है यहाँ पर। तो बस 8 वर्ड है, तो मतलब 8 स्टेट से भी होकर गुजरती है, तो बेसिकली 7+1 यहाँ पर होकर के गुजर रही होती है। 7 स्टेट के बारे में अगर बात करें तो स्टार्ट करिए महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र हो गया, फिर मध्य प्रदेश भी हो गया, फिर कर्नाटक हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, फिर तेलंगाना हो गया, साथ में छत्तीसगढ़ हो गई, उड़ीसा हो गया और साथ में ये हो गया आपके 7+ साथ में आपका पुडुचेरी। तो ये बेसिकली वो स्टेट्स है जहां से गोदावरी रिवर हो करके मतलब गुजरती है। क्लियर हो गया। इसके बाद से अगर बात करें तो कुछ यहाँ पर भी और छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, लाइक इसके ट्रिब्यूटरी के बारे में। हालांकि ट्रिब्यूटरी हम लोग अलग से सेक्शन देख रहे होंगे, जैसे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यहाँ पर लिखा हुआ है, पूमा, मानेर, फिर उसके बाद से वेन गंगा, प्राणहिता और इस तरीके से नंबर ऑफ रिवर्स यहाँ पर लिखी गई है। साथ में अगर बात करें कि कहाँ से इसका उद्गम होता है, निकल क्या रही होती है, तो ये बेसिकली गॉर्ज बना रही होती है थ्रू द ईस्टर्न घाट बिलो राजमुंदरी के नीचे आकर के, ये सिमेट्रिकल डेल्टा बना रही होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईस्टर्न घाट डेल्टा बना रही होती है और बाकी इसके 3 मेन ट्रिब्यूटरी के फॉर्मेट में आ जा रही होती है। खैर चलिए, उसको इंपॉर्टेंट नहीं है। द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि ये किस किस एरिया से गुजर रही होती है। तो हम लोगों ने देखा कि बेसिकली ये अगर मैप में देखें तो मध्य प्रदेश यहां पर आ जाती है, फिर यहां पर छत्तीसगढ़ आ जाती है, उड़ीसा आ जाती है, तेलंगाना आ जाती है, आंध्र प्रदेश आ जा रही होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आ जाती है, फिर कर्नाटक आ जाती है और साथ में यहां पर पुडुचेरी है। तो बेसिकली ये वो स्टेट्स है जहां से ये गोदावरी रिवर गुजर रही होती है। यहां पर जब आप देखेंगे तो यहां पर आपको अजंता हिल्स मिल रही होंगी, फिर यहां पर आपको बेसिकली सतमाला हिल मिल रही होंगी, महादेव हिल मिल रही होंगी। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, जैसे सतमाला हिल, यहां पर आपको मिल जाएगा महादेवो हिल, यहां पर आपको मिल जाएगा अजंता हिल। तो बेसिकली ये वो हिल्स है जिनके थ्रू ये गुजर रही होती है। कौन सी रिवर? गोदावरी रिवर। क्लियर हो गया। कई बार आपसे क्वेश्चन मतलब पूछ भी दिया जाता है कि सिलेक्ट करिए कौन सा करेक्ट है और इस तरीके से यहां पर नंबर ऑफ चीजें लिख दी जा रही होती है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या चीज, ईस्टर्न घाट। दिस इज बेसिकली ईस्टर्न घाट ईयर और उसके बाद से यहां पर आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट। तो क्लियर हो गया कहां कहां से होके गुजर रही है। एक हो गई वेस्टर्न घाट जो कि वेस्टर्न टेरिटरी बना रही है, ईस्टर्न घाट जो ईस्टर्न टेरिटरी बना रही है, और नॉर्थ साइड में सतमाला, महादेव और अजंता हिल बेसिकली इसको लिमिट कर रहे होते हैं। अगर इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो देखिए इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज भी लिखी गई हैं, लाइक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जहां पर धरना, वेन गंगा, पीन गंगा, वर्धा, प्राणहिता जो कि वेन गंगा, इन सबकी ट्रिब्यूटरी मिला करके बोला जाता है, पेंच, कहान, सबरी एंड इंद्रावती, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है।
टफ है थोड़ा सा याद करना। छोटी सी एक ट्रिक बता देते हैं, अगेन ये ट्रिक केवल और केवल याद करने के पर्सपेक्टिव से है। जैसे कई बार क्या होता है, जब पूजा वगैरह की जाती है, यज्ञ वगैरह किया जाता है, तो वहां पर कुछ मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं, तो जस्ट फॉर मेकिंग इट इंटरेस्टिंग यहां पर आप याद कर सकते हैं, वेन पेन वर्धा सबरी इंद्रावती, वेन पेन वर्धा सबरी इंद्रावती, इंद्रावती, ठीक है, वेन पेन वर्धा सबरी इंद्रावती, दो बार पढ़ेंगे, दो बार ऐसे ही मतलब बोलेंगे अपने आप से, अपने आप याद हो जाएगी क्या चीज है। अभी यहां पे खत्म नहीं हुआ है, यहां पर फिर आगे लिख सकते हैं कि धर्म की पेंच परेशान करती है, परेशान करती है, बस काम खत्म हो गया। यहां पर देखिए धर्म मतलब धर्मा हो गया, वेन गंगा पेन गंगा वर्धा सबरी इंद्रावती प्राणहिता प्राण ले ले रही होती, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी को। सिमिलरली देखिए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जहां पर आप देखिए प्रवरा मूला मंजरा पदवागुरु और उसके बाद से मनेर, बेसिकली ये जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री से आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि ये अपने आप में सब के सब राजा लोगों के नाम है जो साउथ इंडिया में राजा हुआ करते थे, जैसे प्रवरा सेना फिर मूला मंजरा, ये सब खाली राजाओं के नाम है। हिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप इनका नाम याद हो जाएगा, और ये इसी डायनेस्टी और इसी एरिया से ही बिलोंग कर रहे होते हैं। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी याद किया आपने, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी अपने आप याद हो जाएगी। यहां पर देखिए छोटी सी फैक्ट लिखी हुई है, जैसे राजमुंद्री के पास में रिवर जो होती है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जैसे ही मान लीजिए राजमुंद्री आई, यहां पर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक पार्ट हो जाती है जिसको गौतमी गोदावरी बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं वशिष्ठ गोदावरी, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां पर आपको मिल जाती है गौतमी गोदावरी और यहां पर मिल जाती है वशिष्ठ गोदावरी, और अल्टीमेटली ये दोनों आगे जाकर के डेल्टा फॉर्म कर दे रहे होते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट लगून भी बन रही होती है और उस लगून का नाम है कोलेरू लेक, बहुत इंपॉर्टेंट है कोलेरू लेक, याद रखिएगा कि यह साउथ ईस्ट ऑफ का किनारा एरिया में पड़ रहा होता है। क्लियर हो गया गोदावरी के बारे में सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं जरा मैप पे और मैप में देख लेते हैं क्या कुछ है हमारे पास। फटाफट एटलस ओपन करिए आप भी लोग, मैं भी ओपन करता हूं। तो ये देखिए आपको इंडिया का मैप मिल जाएगा, यहां पर जब आप साउथ में आएंगे साउथ में आपको देखने को मिलेगा यहां पर कुछ रिवर्स, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। यहां पर देखिए देखने को मिलेगा कि यहां पर गोदावरी रिवर, देखिए कोलेरू लेक हो गई, कोलेरू से यहां से गोदावरी, गोदावरी हालांकि निकलने को तो आपको मिलेगी नासिक के त्र्यंबकेश्वर से, तो बेसिकली गोदावरी रिवर ये देखिए यहां से निकल रही है, ऊपर देख सकते हैं सतमाला, यहां पर अजंता और यहां पर माओदेव हिल्स, जो बेसिकली एक रेंज मतलब इसको लिमिटेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसके बियॉन्ड ये नहीं जाएगी। और वही गोदावरी देख सकते हैं कि वेन गंगा पेन गंगा वर्धा सबरावती इंद्रा सबरी इंद्रावती, ये सारी आपको यहां लगातार मिलती हुई नजर आ रही होंगी। यहां पर आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के नाम पे मंजरी दिख रही होगी या मंजरा भी बोल सकते हैं, मंजरा निकल रही है जो बेसिकली राइट बैंक बना रही है। क्लियर हो गया गोदावरी के बारे में सारी चीजें, कोलेरू लेक बनाते हुए ये बे ऑफ बंगाल में गिर जा रही है। अब हम लोग जरा वापस से आते हैं और देखते हैं जरा दूसरी रिवर कृष्णा के बारे में। तो देखिए कृष्णा रिवर के बारे में अगर बात करें तो कृष्णा रिवर जो होती है वो सेकेंड लार्जेस्ट है, अभी हम लोगों ने देखा कि साउथ इंडिया की यह सेकेंड लार्जेस्ट रिवर हो जा रही होती है। कृष्णा रिवर महाबालेश्वर से निकल रही होती है और अल्टीमेटली वेस्टर्न घाट से ये ईस्टर्न घाट की ओर फ्लो करती है और फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जा रही होती है। कृष्णा रिवर सेकेंड लार्जेस्ट फ्लोइंग है, बात ही कर लिया हम लोग। दिस इज अगर इसकी माइनर स्ट्रीम के बारे में बात करें तो बहुत सारी है, जैसे कोयना हो गई, घाट प्रभाव हो गई, माल प्रभाव हो गई, तो इस तरीके से यहां पर रिवर्स आ जाती है। साथ में इसकी भीमा रिवर नॉर्थ में है और तुंगभद्रा साउथ में है। तुंगभद्रा दो रिवर से मिलकर बना होता है, एक रिवर है तुंगा और दूसरा है भद्रा, और अल्टीमेटली ये दोनों के दोनों मिल जाती हैं, तुंगभद्रा रिवर बन जाती है और ये जाकर के कृष्णा से मिल जा रही होती है और इस तरीके से कृष्णा की ट्रिब्यूटरी बन जा रही होती है। बाकी इसके बाद से बहुत सारे और भी छोटी छोटी चीजें हैं कि यहां पर बहुत सारे मिनरल्स रिजर्व्स पाए जा रहे होते हैं, क्वार्ट्जाइट काफी ज्यादा पाया जा रहा होता है, कोल के सोर्सेज यहां पर पाए जाते हैं, नागार्जुन सागर यहां पर रिजर्वायर है, सेम वैसे ही तुंगभद्रा रिजर्वायर भी आपको मिल जाएगा, श्रीशैलम के पास में आकर के गॉर्ज बना रही होती है और बर्ड फूट डेल्टा बना रही होती है। बर्ड फूट डेल्टा के बारे में आप लोगों को मैंने लैंडफॉर्म वाले सेक्शन में बताया हुआ था, तो आपको क्लियर होगा बेसिकली क्या चीज है ये, ठीक है। ये सब चीजें बेसिकली फैक्चुअल डिटेल है जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखने वाली चीज है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में अगर बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यहां पर आ जाती है भीमा मूसी और मुन्नेरू, तो यहां पर याद रख सकते हैं भीमा की मौसी, मौसी के नाम से याद रख सकते हैं कृष्णा है,
इसी तरीके से याद रख सकते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में, घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा। बहुत ही आसान है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, अपने आप यहां पर चीजें याद हो जाएंगी। क्लियर हो गया। कृष्णा रिवर के बाद अच्छा देख लेते हैं इसको जरा एटलस में, अगेन ओपन करिए अपना एटलस। तो एटलस में यहां पर जब आप आएंगे और साउथ में जब आप देखेंगे तो यहां पर देखिए कोलेरू लेक जस्ट नीचे कृष्णा दिखेगी। कृष्णा देखिए यहां से निकल रही है, निकलती कहां से है, अगेन ये भी देखिए यहां से निकल रही है, और निकलते ही महाबालेश्वर से निकल करके भीमा रिवर, ये देखिए भीमा रिवर बन रही है, और ये अल्टीमेटली कृष्णा, कृष्णा की कई सारी यहां पर डेंड्रिटिक बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आके रखी हुई है। तुंगभद्रा एक ट्रिब्यूटरी आ जा रही होती है, और देखिए हजारी यहां पर एक और ट्रिब्यूटरी है, हालांकि नॉट सच इंपॉर्टेंट, इसी वजह से हम लोगों ने इसको स्किप किया हुआ था। बाकी यहां पर देख सकते हैं कि गोदावरी की और कृष्णा की ये दोनों ट्रिब्यूटरी आपस में डिवाइडेड है, यहां पर बीच में कोई भी एरिया नहीं आ रहा होता है, ड्रेन नहीं हो रहा होता है। अल्टीमेटली ये कृष्णा रिवर यहां पर आ जाती है और अल्टीमेटली ये मिल जा रही होती है बे ऑफ बंगाल में। क्लियर हो गया क्या चीज है, ट्रिब्यूटरी का आइडिया लग गया कहां पर है। तो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि ये सारी ट्रिब्यूटरी ज्यादातर एरिया वेस्टर्न घाट के एरिया में फ्लो हो रही होती है, और बाकी आगे जाकर के मिल करके एक सिंगल मेन रिवर कृष्णा रिवर बना रही होती है। क्लियर। अगर कृष्णा रिवर के बारे में बात करें कौन कौन से स्टेट से होके गुजरती है, तो कृष्णा रिवर बेसिकली आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये बेसिकली तीन स्टेट है जहां से ये मिल करके गुजर रही होती है। अगर इसके बाउंड्री के बारे में बात करें तो इधर देखिए ये हो गई थी इसकी बालाघाट, दिस इज बालाघाट जहां पर इसको रोक रहा था, बाकी इधर के साइड में ईस्टर्न घाट रोक रही होती है और इधर के साइड में वेस्टर्न घाट रोक रही होती है। तो यहां पर ज्यादा कुछ बात नहीं है, यहां पर देख सकते हैं इस तरह से कृष्णा रिवर होती है और यहां पर बहुत सारे ट्रिब्यूटरी ऐसे बनी हुई थी और अल्टीमेटली जाकर के ऐसे कृष्णा रिवर बे ऑफ बंगाल में गिर जा रही होती है। क्लियर हो गया। देखिए कंस्ट्रेंट्स आपको ये जो फिजियोग्राफिक डिविजन है ये आपको जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में आपको इसी के इर्द गिर्द घुमाया जा सकता है। आगे बात करें लास्ट रिवर हमारी देख लेते हैं पिन्ना रिवर के बारे में, जिसको कि हम लोग उत्तरा पिनकनी नाम से भी जान रहे होते हैं। काफी आसान और काफी छोटी सी रिवर है, फटाफट देख लेते हैं इसके बारे में। पिन्ना रिवर ये मैसूर एरिया मतलब कि कर्नाटक से निकल रही होती है, मैसूर प्लेटू से कोल्लार डिस्ट्रिक्ट से भी निकल रही होती है, जहां पर गोल्ड की बहुत सारी खदानें हैं, माइंस है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरी चित्रावती और पापाग्नि है। पापाग्नि एक्चुअली क्या है कि कोयले की एक सीरीज भी होती है, पापाग्नि सीरीज बोला जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप नाम याद रखिए क्या चीज है। बाकी ये गॉज बना रही होती है, कडप्पा पे क्वार्ट्जाइट और ये सब चीजें यहां पर कुछ मिनरल्स के फॉर्मेट में मिल रहे होते हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करें तो चिरावती और पापाग्नि ऊपर ही देख लिया, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी दो है और इसका नाम है जयमंगली और कुंदेरू। नाम याद रखिएगा, हालांकि उतना सच इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया, फिर भी एक आइडिया रखिएगा, क्योंकि इससे कई बार ऑप्शन भी कट करने में आसानी हो जा रही होती है, इस वजह से भी ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर इसकी बात करें कि कौन कौन से स्टेट से होकर के गुजरती है, तो यहां पर देखिए दो स्टेट्स हैं, एक है कर्नाटका और दूसरा है आंध्र प्रदेश, इन दोनों स्टेट से बेसिकली होकर के गुजर रही होती है। अगर इसके फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में बात करें तो ईस्टर्न साइड में यहां पर डिवीजन मिलता है इसको नल्ला मल्ला हिल के रूप में, और मिल रही होती है वेलीकोंडा हिल के रूप में, तो यहां पर ईस्टर्न साइड में मिल जा रही होती है। वेस्टर्न साइड में अगर बात करें तो यहां पर वेदावती वैली मिलती है जो कि इसको कृष्णा रिवर से अलग कर रही होती है, और इस तरीके से कृष्णा रिवर यहां ऊपर फ्लो कर रही होती है और जो पिन्नार रिवर है ये साउथ में फ्लो कर रही होती है, और इन दोनों के बीच में एक वैली आ जाती है जिसका नाम है वेदावती वैली। ईस्ट का हो गया, वेस्ट का हो गया। नॉर्थ साइड में अगर आए तो यहां पर हमें ईरामला एक हमें हिल मिल जा रही होती है, ईरामला हिल रेंज मिल जाती है जो कि वही नीलगिरी वाला रीजियन है। और साउथ में अगर बात करें तो साउथ में मिल जा रही होती है नंदी दुर्ग, नंदी दुर्ग मिल जा रही होती है। क्लियर हो गया कौन सी चीज है, क्या ऐसा है, क्या हो रहा है, ये हो जाती है हमारी फिजियोग्राफिक डिवीजन। फटाफट देख लेते हैं इसकी लोकेशन अगेन मैप में, एटलस ओपन करिए देखते हैं। एटलस ओपन करेंगे तो यहां पर देखिए साउथ में आपको देखने को मिलेगा यहां पर पेन्नेरू रिवर, ये देखिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा नल्ला मल्ला, ऊपर देख सकते हैं वेलीकोंडा भी यहीं पर है, यहां पर बना नहीं हुआ है लेकिन यहीं पर है पेन्नेरू, ये देख सकते हैं कि यहां से मूव कर रही है और अल्टीमेटली यहां पर कृष्णा रिवर से जस्ट अलग हो रही है, जहां पर ये वेदावती वैली मिल रही होती है, दोनों को आपस में डिवाइड कर रही होती है। तो देख लिए क्या हो गया, कैसे हो गया, याद रख लिए। चलिए फिर वापस से आते हैं अपने, ये हो जाती है हमारी आज की पूरी सीरीज। आज में हम लोगों ने देखा तीन रिवर के बारे में, एक थी हमारी गोदावरी, कृष्णा और पेन्नेर के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट तीन रिवर के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है,
ज्वाइन करके उसको अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।